हमीरपुर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार के द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बस अड्डे के साथ खोखा मार्केट के निरीक्षण के समय कही। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार के द्वारा हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर बस अड्डे के सामने खोखा मार्केट के बन जाने से बस स्टैंड के पास खाली जमीन पर दीवार लगाकर पार्किंग बनाई जाएगी, साथ ही टैक्सी स्टैंड के लिए भी कुछ स्थान यहां पर चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड के सामने से खोखों के हट जाने से यातायात की समस्या से भी निजात मिलेगी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लिए प्रदेश कांग्रेस ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भिन्न गत दिवस पूर्व विधायक एवं एचआरटीसी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री के कोरोना टेस्ट के बावजूद सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत की जाने पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि जिस व्यक्ति का कोरोना टेस्ट हुआ हो तो उन्हें घर में ही रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार की कमियों के कारण ही प्रदेश में कोरोना बीमारी बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने को लेकर सरकार के द्वारा मांगे गए सुझावों पर विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार को नियमों में सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन लगने से लोगों को दिक्कतें हुई थी। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा लॉकडाउन होता है तो लोगों को रोजगार के लिए लाले पड़ेंगे, इसलिए सरकार को लॉकडाउन के बजाय कानून को सख्ती से पालन करवाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक संघ के प्रधान डॉक्टर जीवानंद चौहान की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन करते हुए प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने सभी जिलों के पदाधिकारियों और केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के विचारों को रखने का और मुख्य मुद्दा हमारे अनुबंधित मेडिकल ऑफिसर को सरकार द्वारा घोषित 150 डिग्री ग्रेड पे ना देने के मुद्दे को रखा। सभी ने एकमत से ये पारित करा कि ये ग्रेड पे 2016 से सरकार ने अपने अनुबंधित कर्मचारियों को देना शुरू किया था, जो आज धीरे धीरे सरकारों की समय-समय पर अधिसूचना के आधार पर बढ़ते बढ़ते आज 150% हुआ है, जिसका लाभ प्रदेश सरकार के सभी अनुबंधित कर्मचारियों को मिल रहा है और उसके साथ ही हमारे मेडिकल अधिकारियों को भी मिल रहा था। लेकिन प्रदेश में कुछ ब्लॉक्स में इसको लागू भी नहीं किया जा रहा था और उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इसको सरकार के समक्ष रखने के बाद सरकार का जो उत्तर मिला है वे बिल्कुल भी संतोषप्रद नहीं है। क्योंकि उस पत्र में 2011 और 2013 की अधिसूचना मेडिकल अधिकारियों के संदर्भ का जिक्र किया गया है। महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि वे पत्र उस समय के हैं जब चिकित्सा अधिकारियों को रोगी कल्याण समिति के द्वारा अनुबंध पर रखा जाता था और अब चिकित्सा अधिकारी राज्य अनुबंध पर रखे जाते हैं और वे भी वैसे ही दूसरे अनुबंधित कर्मचारियों की तरह है, जैसे सभी अन्य विभागों में अनुबंधित कर्मचारी हैं और इन मेडिकल अधिकारियों को वैसे ही ग्रेड पे का 150% मिल रहा था। जैसे बाकी कर्मचारियों को मिल रहा था, लेकिन सरकार के गोलमोल जवाब की वजह से अभी नौजवान चिकित्सा अधिकारियों के इस 150% ग्रेड पे तलवार लटक गई है। कुछ ब्लॉकों में तो नई सैलरी इसको डिडक्ट करके बनाई जा रही है। संघ ने एकमत से प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि अगर 1 अगस्त को हमारे किसी भी नौजवान अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी की अगर 150% ग्रेड पे कटी या नहीं मिली तो 2 तारीख से हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर संघ के सभी चिकित्सक काले बिल्ले लगाकर अगले 7 दिनों तक काम करेंगे और अगर उन 7 दिनों में भी हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की शुरुआत की जाएगी, जो अगले 7 दिन तक चलेगी और अगर उसमें भी हमें इंसाफ नहीं मिला तो पूर्णतया बंद किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी सरकार की होगी। संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि ये हमारे नौजवान
चिकित्सा अधिकारियों के मनोबल को गिराने वाला है। प्रधान डॉक्टर जीवानंद चौहान ने कहा कि जल्द ही संघ का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य सचिव से मिलने का समय मांग रहा है और अगर वास्तविक मुलाकात संभव ना हो सके तो वर्चुअल मीटिंग का समय मांगा जाएगा और जल्द से जल्द इन नौजवान अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार से गुजारिश की जाएगी, क्योंकि कोरोना जैसी इस महामारी के दौरान हमारे ये नौजवान चिकित्सा अधिकारी जोरदार काम कर रहे हैं और दूर दराज और दुर्गम इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस वर्चुअल मीटिंग में संघ के सलाहकार डॉक्टर ओमपाल शर्मा, उप प्रधान डॉक्टर अनुपम भर्दन, डॉक्टर दिलबाग ठाकुर, डॉक्टर सनी धीमान, डॉक्टर विजय राय, डॉक्टर मोहित डोगरा, डॉक्टर विशाल जम्बाल, डॉक्टर प्रवीण चौहान, डॉक्टर चांदनी राठौर और अन्य ने हिस्सा लिया।